बोलू सुधर सुधर न तो हम बिगड़ब न बाबू तो हम बिगड़िए जाइले। यहाँ कोई नहीं अपना। जैसा कि आप सब जानते हैं स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमा में दस्तक देने वाली है और धीरे धीरे करके उस फिल्म के गाने भी लोगों के बीच आ रहे हैं और लोग भी उन गानों पर अपना जम के प्यार लुटा रहे हैं। इसी बीच स्त्री 2 का एक गाना खूब विवादों में बना हुआ है, वजह है पावर स्टार पवन सिंह। जी हाँ, आइए जानते हैं पावर स्टार पवन सिंह ने लकीर खींच दी या नहीं खींच दी, क्यों इसको लेकर विवाद है, आखिर स्त्री 2 का गाना क्यों पवन सिंह के लिए कंट्रोवर्शियल बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करारा न्यूज डे एंड नाइट। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले स्त्री 2 का एक गाना रिलीज होता है जिसका टाइटल होता है आईने। आपको बता दें कि इस गाने में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर परफॉर्म करते हुए नजर आए, साथ ही साथ इस गाने में जो मेल सिंगर की आवाज थी वो पावर स्टार पवन सिंह की थी और ये सभी के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि पवन सिंह मोस्ट अवेटेड फिल्म स्त्री 2 में गाना गाने वाले हैं और परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन जब स्त्री 2 का दूसरा गाना लोगों के बीच आया तब सबको पता चल गया कि आवाज़ पवन सिंह की है और पवन सिंह ने फाइनली बॉलीवुड के स्त्री 2 मूवी में एक गाना गाया है जो कि खूब ज़्यादा तहलका मचा रहा है। आपको बता दें कि जो पवन सिंह के फैंस हैं वो इस गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और पवन सिंह को खूब बधाई दे रहे हैं। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह ने भोजपुरी में एक लकीर खींच दी है, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। पवन सिंह ने बॉलीवुड के बड़े स्टारों को नचा दिया है अपनी आवाज पर, पवन सिंह ने ये कर दिया है, पवन सिंह ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो पवन सिंह के हेटर्स हैं वो पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे मीम्स हैं, बहुत सारे क्लिप्स हैं जिन्हें काट छाट कर एडिट करके वायरल किया जा रहा है जिसमें कहीं पवन सिंह के उप्स मूवमेंट कैप्चर किए गए हैं तो कहीं कुछ और पवन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह इस गाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी आ गए हैं और इसकी वजह सिर्फ पवन सिंह ही नहीं है, इसकी वजह खेसारी लाल यादव भी हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव ने भी इस गाने पे अपनी विशेष टिप्पणी दी है। आइए समझाते हैं आपको पूरा मामला। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह ने स्त्री 2 जैसे बड़े मूवी में गाना गाकर वाकई में एक मिसाल कायम किया है। एक भोजपुरी गायक हिंदी मूवी में गाना गाता है और वो गाना एक दिन में ही मिलियन क्रॉस कर जाता है और वो गाना एक रिकॉर्ड तोड़ गाना बन जाता है, उस पे बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर परफॉर्म भी करते हैं, तो वाकई में ये काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर चुभने वाली बात क्या है? आपको बता दें कि इन सब के बाद खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उसमें उन्होंने पवन सिंह पर जम के अपना भड़ास निकाला था। खैर, उन सब बातों की चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी इस गाने को लेकर क्यों हो रही है। तो खेसारी लाल यादव ने ये बोल दिया था कि वो कोई लकीर नहीं खींचे हैं क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड में गाए हैं। अब वो किसकी बात कर रहे थे वो तो खेसारी लाल यादव ही जाने। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने ये भी कह दिया कि भोजपुरी से हिंदी में जाकर गाना कोई बड़ी बात नहीं है, बॉलीवुड सिंगर्स को भोजपुरी में लाकर गवाना बड़ी बात है। खेसारी लाल यादव का कहना था कि उन्होंने बादशाह जैसे सिंगर को अपने गाने में गवाया था। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि ये कोई लकीर नहीं है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, उल्टा वो तो ये कहते हैं कि ये भोजपुरी भाषा का मजाक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपनी गरिमा समझनी चाहिए थी, उन्हें अपनी इंडस्ट्री को छोड़कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर नहीं गाना चाहिए था। खेसारी लाल यादव ने कहा कि काम के ऑफर्स तो सभी को मिलते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री को अपने भाषा के लोगों को अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, अगर हम भी बॉलीवुड में चले जाएंगे तब हमारे क्षेत्र को कौन आगे बढ़ाएगा। तो खेसारी लाल यादव इस लिहाज से इसका अवहेलना किए थे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पवन जी मेरे बड़े भाई हैं, गाना बहुत अच्छा गाया है और एक बड़े मूवी में गाया है इसलिए बहुत बड़ी बात है, उनको वो बधाई देते हैं। हालांकि इतना तो पता चल गया कि वो ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं लेकिन जब से ये गाना पवन सिंह ने गाया है तब से खेसारी लाल यादव, उनके तमाम सपोर्टर्स और खेसारी लाल यादव के साथ साथ पवन सिंह के तमाम हेटर्स सभी लोग पवन सिंह को कॉन्ट्रोवर्सी में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गाने
की वजह से पावर स्टार पवन सिंह काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। अब इन सब के बाद एक चीज की और चर्चा हो रही है, वो है ज्योति सिंह के रिएक्शन की। दरअसल चुनाव में आपने देखा होगा कि पवन सिंह जब भी छोटा बड़ा कोई काम करते थे या उनका सावन का ही कोई लोकगीत आता था तो ज्योति सिंह अपनी स्टोरी पर उसे साझा करती थी और लोगों को बताती थी कि इन्होंने एक आज गाना गाया जो बहुत खूबसूरत है या जिस भी तरह से अपनी फीलिंग्स जाहिर करें वो करती थी। लेकिन इस बार जब पवन सिंह ने इतना बड़ा गाना गाया और इतनी बड़ी मूवी से उनका गाना आया तब ज्योति सिंह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है कि आखिर पवन ज्योति में कोई फिर से खटास हो गया है क्या जो सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया जबकि पवन सिंह ने इतना बड़ा काम किया है। अब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में वाकई में कुछ खटपट चल रहा है या नहीं इसका खुलासा ना ही ज्योति सिंह ने किया है ना ही पवन सिंह ने, लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है कि ज्योति सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कई दिनों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपलोड हो रही है जिससे ये समझ में आ सकता है देखने के बाद कि वाकई में वो थोड़ी डिप्रेस्ड है, थोड़ी परेशान है, क्योंकि वो कुछ इशारों ही इशारों में मैसेज लोगों को दे रही हैं कि उनके बीच में उनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वेल, हम वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार पवन सिंह ने इतना अच्छा काम किया फिर भी इतने ज्यादा वो कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों घिरे हुए हैं। तो इसका कारण है लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिकता। अब जो लोग इसे जिस नज़रिए से देख रहे हैं, जिस नज़रिए से सोच रहे हैं, उनको वैसा लग रहा है और वो उस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं और तमाम लोगों के रिएक्शंस कॉन्ट्रोवर्सीज़ के रूप ले रहे हैं। जगह जगह पर कहीं पवन सिंह की तारीफ हो रही है तो कहीं पवन सिंह पर विवाद हो रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से लेंगे और इस पर विवाद खड़ा करेंगे या फिर तारीफ करना पसंद करेंगे। वेल, पवन सिंह ने तो एक अच्छा काम ही किया है, बॉलीवुड में गाना गाया है और वाकई में एक लकीर खींचने का काम किया है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि स्त्री 2 मोस्ट अवेटेड फिल्म थी और उस फिल्म का गाना एक भोजपुरी स्टार ने गाया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है और आगे भी और स्टार्स को ऐसा करना चाहिए और भी कलाकारों को अगर मौका मिलता है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से ना ही भोजपुरी भाषा को शर्मिंदगी होगी और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई पीछे करेगा, ऐसा सिर्फ लोगों की मानसिकता है और उनकी सोच है। ऐसा करने से कोई भी इंडस्ट्री पीछे नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा नाम ही बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ तक रिपोर्ट्स की माने तो ये लगता है कि स्त्री 2 का जो ये गाना है जिसे पवन सिंह ने गाया है, अगर पवन सिंह ने इसे नहीं गाया होता तो ये गाना उतना ज़्यादा शायद ट्रेंड नहीं करता जितना पवन सिंह के नाम पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि स्त्री 2 मूवी तो वैसे ही मोस्ट अवेटेड फिल्म थी, इसके गाने का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग भी तगड़ी है, पवन सिंह का नाम जुड़ने के बाद लोग और तरह से जुड़ गए, भोजपुरी के लोग खुद सर्च करके देखने लगे इस गाने को, इसलिए कहीं ना कहीं पवन सिंह के जुड़ने से इस गाने को और ज़्यादा प्यार मिला है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी से ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड तो ये गाना ही तोड़ेगा। अब ये तो देखने वाली बात है, अब आगे क्या होता है ये बात की बात है। वेल, आपका क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।